हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में कि हम टेलीग्राम में ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो को ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन को पूरा सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन इन टैली प्राइम। सबसे पहले ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन जो होता है वो ये रहता है कि जो हमारी बैंक में जो हमारी एंट्रीज होती है वो हमारी कंपनीज की बुक्स से मैच करती है या नहीं, तो वो हम डायरेक्ट अपने बैंक के स्टेटमेंट को टैली में लोड करके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली रिकनसाइल करके, मैनुअली बैंक डेट को मेंशन ना करके। तो देखते हैं हम टैली में वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक का लेजर बनाया हुआ है जिसके स्टेटमेंट मैं इंपोर्ट करके और रिकनसाइल करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको वो बैंक का लेजर पहले दिखा देती हूँ। हम जाएंगे ऑल्टर में क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बैंक का लेजर, तो हम गए ऑल्टर में, उसके बाद लेजर, देन मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बनाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमें अंडर हमने बैंक अकाउंट्स लेना है और हमें बैंक के यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, लाइक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम और ये ब्रांच। अभी बैंक का नेम हमें यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टैली है वो हमारा लाइसेंस वर्जन में, अगर एडुकेशन मोड में आपका टैली रहेगा तो आपको लिस्ट ऑफ बैंक शो नहीं करते हैं दोस्तों, और अगर बैंक का नेम आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको ऑटो रिकन्सिलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप लाइसेंसिंग वर्जन में ये चेक करें, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन, जैसे हम बैंक का नेम मेंशन करेंगे हमें यहाँ बैंक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन रहता है कॉल्ड अनेबल ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन। ये हमारा मेन ऑप्शन है जिसके रिगार्डिंग आज हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, अनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अनेबल होके आ जाता है और यहाँ पे F12 में आपको कुछ बैंक की डिटेल्स दी गई है जहाँ पे आपको बैंक के कुछ ऑप्शंस है कॉल्ड प्रोवाइड बैंक डिटेल्स और बैंक लेजर्स, सेट बैंक रिकन्सिलेशन एंड ई पेमेंट्स फॉर सपोर्टेड बैंक्स ओनली। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे येस करना है अगर वो आपको नहीं आता है तो, लाइसेंस वर्जन होने के बाद भी। जैसे कि अब हमने यहाँ पे अनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन को येस किया क्योंकि हम अपने बैंकिंग की ऑटो रिकन्सिलेशन करेंगे मैनुअली नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है कॉल्ड सेट ऑल्टर ऑटो रिकन्सिलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो चलिए हम इसको यस करते हैं। यस करने के बाद हमें यहाँ पे पाथ पूछता है, फोल्डर पाथ फॉर न्यू बैंक स्टेटमेंट एंड फोल्डर पाथ फॉर इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऐसा डिफॉल्ट पाथ हमें सेट करना है जहाँ पे हम अपने जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट होगी उसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके भी कर सकती हूँ और स्पेसिफाई पाथ करके भी कर सकती हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं स्पेसिफाई पाथ करके करूँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपने टैली के फोल्डर में ही अपना जो मेरा स्टेटमेंट है बैंक का वो मैंने रखा हुआ है टैली के फोल्डर में ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट डी करके यहाँ पे इसका पाथ कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे टैली में मेंशन कर देती हूँ स्पेसिफाई पाथ करके। और यहाँ पे फोल्डर पाथ फॉर इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट में भी मैं सेम पाथ को रख देती हूँ, ताकि क्या रहेगा जब हम इम्पोर्ट करेंगे स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिक हमारा वो वहाँ पे पाथ ले लेगा और हमें सीधा हमारा सपोर्टिव फॉर्मेट दिखाएगा। तो बैंक लेजर में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ऑटो रिकन्सिलेशन का जो ऑप्शन होता है वो नहीं कॉन्फ़िगर हो पाएगा दोस्तों। तो आपको अब कर देना है बैंक के लेजर को सेव, ये हमने कर दिया सेव, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं बैंकिंग पे, अब हम जाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन पे। मैंने कुछ एंट्री यहाँ पे करके रखी है दोस्तों। अब हमें सेलेक्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अब ये देखिए हमें यहाँ पे कुछ 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई की एंट्रीज हमें मेंशन होके आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको अपने स्टेटमेंट भी दिखा देती हूँ। हमारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक की ही स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं है क्योंकि मैंने 1 से 4 तक का ही लिया है ओनली, ओके। तो आइए देखते हैं हम कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमारी जो हमने बुक्स में एंट्री की हुई है, मतलब जो हमने अपनी कंपनी में एंट्री की हुई है, यहाँ पे अभी हमें बस वो शो हो रही है, लेकिन जब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट कर लेंगे तो
तो हमें अपनी बैंक वाली एंट्रीज भी शो होगी और उसकी जो डेट है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे जो हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है कॉल्ड अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, मतलब इतना अमाउंट है जो कि बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इतना क्रेडिट का अमाउंट है और बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स कितना है 1200 है, मतलब जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1200 का आ रहा है। ओके, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमें रिकनसाइल करनी है ट्रांजेक्शन। ऑल्ट आर, ऑल्ट आर पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ऑल्ट ओ। ऑल्ट ओ में देखिए आपको ये आएगा बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन, ये ऑप्शन है जहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट करनी है। ओके, आपको क्लिक करना है बैंक स्टेटमेंट पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो आप वहाँ पे फाइल पाथ सेलेक्ट करेंगे आपको डायरेक्ट पे यहाँ पे वो सेलेक्ट होके आएगा। अब सपोर्टिंग में क्या रहता है, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि टैली सपोर्ट करता है आपके स्टेटमेंट के लिए, आइदर वो एक्सेल होना चाहिए या फिर आपकी सीएसवी फाइल होनी चाहिए। तो मेरी कौन सी फाइल है, एक्सेल की फाइल है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर देती हूँ। अभी देखिए ये वाली मेरी स्टेटमेंट है, मैं जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करूँगी मेरी स्टेटमेंट इंपोर्ट होने लगेगी और वो आपको शो भी करेगी। तो चलिए मैं इस पे एंटर प्रेस कर देती हूँ दोस्तों। ओके, यहाँ पे आया है बैंक स्टेटमेंट इज ऑलरेडी ओपन, क्लोज द सेम बिफोर सेविंग बीआरएस फॉर अपडेटेड द इंपोर्टेड। अब हमें यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को क्लोज करना पड़ेगा अगर हमें इसको इम्पोर्ट करना है तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्लोज कर देती हूँ इसको और वापस से हम इम्पोर्ट करके चेक करते हैं स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों, अब हमने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट पे गए हम, यहाँ पे एक्सेल एंटर कर दिया। अभी देखिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट होगी, आपको शो भी करेगी इंपोर्ट होते वक्त। ये जो देखिए रीडिंग बैंक स्टेटमेंट फाइल इंपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स, अब ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने ऑल्ट आर ऑलरेडी कर दिया था, मतलब ऑल्ट आर मतलब रिकनसाइल मैंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर दी थी, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर्स खुद ही ले लिया है जो हमारे बैंक में दिया गया है इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो वहाँ पे खुद ही मेंशन कर लिया है। और जो अमाउंट है लाइक कंपनी बुक्स और हमारी बैंक स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो गया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 5372 का आ रहा है, ये बैलेंस हमारा इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया था वो मैंने विदाउट ओपनिंग बैलेंस के किया था और वो एंट्री यहाँ पे नहीं है। देखिए जैसे कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमें नील शो कर रहा है, सो दैट्स वाई ये जो बैलेंस है वो आ रहा है। बाकी इस तरीके से आप अगर इसको मैं सेव कर देती हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो रिकनसाइल ऑल का था फीचर वो यहाँ पे हमारा हाइड हो चुका है क्योंकि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकनसाइल हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए पहले ये किस तरीके से आ रहा था, अब मैं इसको क्विट कर देती हूँ। सो इस तरीके से आप बैंक ऑटो बैंक रिकनसिलेशन अपने कंपनी बुक्स में, अपनी कंपनी में आपकी जो पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट है उसको इम्पोर्ट करके कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जल्द ही मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।